Hello students, in this video I am going to solve exercise 4.2 of class 12th mathematics NCERT. And question number 1 is x of exercise 4.2 using the properties of determinant and without expanding in exercise 1 to 5 prove that. भाई देखो हमें जो है expand नहीं करना है determinant को और determinant की properties use करके हमें exercise 1 to 5 जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में मुझे प्रूव करना है क्या प्रूव करना है जो डिटरमिनेंट है मेरा मुझे क्या प्रूव करना है टू प्रूव क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा प्रूव दैट क्या प्रूव करना है डिटरमिनेंट x y z a b c और x + a x + b x + c इक्वल टू क्या जीरो ठीक है भाई ठीक है तो मैं इसकी LHS ले लेता हूं व्हाट इज द LHS xyz abc x + a x + b x + c तो मैंने ये बताया था सम प्रॉपर्टीज ऑफ सम ऑफ टू डिटरमिनेंट वाली हमने यूज की थी उसमें क्या था अगर दो रो या दो कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट के सेम किसी दो डिटरमिनेंट के सेम होती है तो मैं उन्हें ऐड कर सकता हूं और जैसे मैं उन्हें ऐड कर सकता हूं उस टाइप से मैं ना ब्रेक भी कर सकता हूं कैसे ब्रेक कर सकता हूं इस डिटरमिनेंट को मैं भाई ये मेरा कॉलम x y z दूसरा कॉलम मेरा ये है a b c मैं इसे ब्रेक कर सकता हूं यहां पे क्या है x y z हो सकता है ओ दिस इज y एंड दिस इज z दिस इज y एंड दिस इज z तो मैं लिख सकता हूं x y z प्लस फिर मेरे x y z a b c और उसके बाद यहां आ जाएगा मेरा क्या a b c या सुनो मैं इस टाइप से ब्रेक कर सकता हूं क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं क्योंकि दो कॉलम मेरे सेम है तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो जो दो कॉलम मेरे सेम है वो तो एज इट इज आ जाएंगे और बाकी जो डिफरेंट कॉलम है वो आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे तो जैसे मैं ऐड कर सकता हूं वैसे मैं ब्रेक भी कर सकता हूं अब मैंने ब्रेक करा मैंने तुम्हें ये बात बताई थी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की कोई दो रो या दो कॉलम सेम हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है जीरो होती है भाई डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी जीरो होगी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी जीरो होगी ऐड करो तो जीरो है ये क्या है मेरे यार तो इजी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट का हमको एक्सपेंड नहीं करना है विदाउट एक्सपेंड करें मतलब विदाउट एक्सपेंडेशन क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 क्वेश्चन नंबर 2 में केवल LHS ले लेता हूं मुझे क्या प्रूव करना है a माइनस b b माइनस c c माइनस a माइनस b b माइनस c c माइनस a b माइनस c c माइनस a माइनस b c माइनस a एंड a माइनस b एंड b माइनस c इक्वल टू क्या जीरो मुझे ये प्रूफ करना है अच्छा ठीक है अब मैं LHS ले लेता हूं अच्छा मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी बताई थी अगर किसी भी डिटरमिनेंट की किसी भी दो रो को आपस में ऐड करें ठीक है ना रिप्लेस करके तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है और किसी भी एक रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे दूसरी रो से ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है अब मैं आर वन को रिप्लेस कर रहा हूँ आर वन रिप्लेस भाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री मैं इन तीनों को जोड़ रहा हूँ जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा ऐड करूंगा तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा सी से सी कैंसिल हो जाएगा ए से सिमिलरली हेयर बी से बी कैंसिल सी से सी कैंसिल ए से कैंसिल ऐसे यहाँ पर तो यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा जीरो जीरो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे जीरो 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 और बाकी जो रो है और कॉलम है वो ऐसे के ऐसे रहेंगे और मैंने तुम्हें ये बात बताई थी कि किसी भी डिटरमिनेंट की पूरी रो या पूरे कॉलम के जितने भी एलिमेंट है सारे जीरो होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो हो जाती है क्वेश्चन प्रूव इजी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ
क्वेश्चन नंबर थ्री, जो मैं प्रूफ करना है ना उसकी मैं LHS ले लूं डायरेक्ट, ठीक है ना। क्या गिवन है, डिटरमिनेंट गिवन है 3, 2, 7, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 7, 8, 9 and 65, 75 और 86। अली का नाम मुझे जीरो। अब जीरो कैसा है, जीरो तब आएगा जब मैं दो रो या दो कॉलम को सेम कर दूंगा, ठीक है। तो दो रो तो सेम हो नहीं सकती, दो कॉलम सेम हो सकते हैं। अगर आप इसमें से माइनस करते हो 5 आता है, इसमें से माइनस करते हो 5 आता है, इसमें से इसको माइनस करते हो तो 4 आता है। ठीक है, और कुछ, इन दोनों को ऐड करते हो 9, 11, 14। अच्छा, तो क्या करा जाए, अगर इसमें से इसको माइनस करते हो 63, इसमें से माइनस करते हो 72, इसमें से माइनस करते हो 81, ठीक है। 63, 72 और 81, तो कुछ बात नजर आई आपको, 63 9 से डिविजिबल है, 72 9 से डिविजिबल है और 81 भी मेरा 9 से डिविजिबल है, यानी कि मैं 9 तीनों में से इस कॉलम में से कॉमन ले सकता हूं। कब, जब इसमें से इसको मैं माइनस कर देता हूं, मैं C3 रिप्लेस कर रहा हूं, C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C1, भाई C3 रिप्लेस हो रहा, बाकी जो दो कॉलम मेरे वो एज इट इज रहेंगे, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये डिटरमिनेंट की क्वालिटी होती है, माइनस करो कितना आया भाई 63, माइनस करो इसमें से इसको कितना आया 72, इसमें से इसको माइनस किया। तुम एक बात बताओ, अगर इस डिटरमिनेंट को मैं एक्सपेंड करो, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करो, तो मैं जीरो ही मिलने वाला जीरो ही है। अब यहां से क्या कॉमन है भाई, 9 कॉमन है ना, तो 9 बाहर ले रहे हैं, तो 9 अगर मैं एक्सपेंड 9 अगर निकाल देता हूँ यहाँ से 2, 3, 5, 7, 8, 9, इसे मैं लिख सकता हूँ 9 into 7, 9 into 8, 9 into 9, 9 तीनों में फैक्टर बाहर निकाल सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 9 डिटरमिनेंट 2, 3, 5, 7, 8, 9 और यहाँ क्या बचा मेरा 7, 8, 9, भाई दो रो एक जैसे, दो कॉलम एक जैसे हो गए, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। ये देखिए क्या आ गया, जीरो आ गया, ये मेरी क्या है आर एच। तो इजी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हें होमवर्क में दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 आपको सेल्फ करना है, ठीक है ना, और नहीं होता है तो करवा दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 4।